Hey guys, welcome to Wi-Fi classes. Today we are going to discuss the part 5 of one word substitutions. Okay? पहले हम चार पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उन्हें कंप्लीट करिए. मैं 25-25 करके सीरीज़ बना रही हूँ जिसमें मैं लगभग 500 वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस कवर कर दूंगी. ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. पहला, हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल. ओके, जो मीन्स वो पर्सन जो हैबिचुअली साइलेंट हो, जिसकी हैबिट हो कि वो ज़्यादा बात ना करे, बहुत कम बोलता हो, वो होता है टैसिटर्न. टैसिटर्न मतलब क्या होता है? बहुत ही कम बोलने वाला, बहुत ही ज़्यादा कम बोलने वाला. और इसका अपोजिट क्या होता है? गैरुलस, जो बहुत ज़्यादा बात करे, है ना. तो टैसिटर्न क्या होगा? हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटल, जो बहुत ही कम बात करता हो. आपको अगर लिंक चाहिए तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई इंसान बिल्कुल टैक्सी को समझो टैक्सी और टर्न को समझो टर्न. कि बस अपनी टैक्सी एक इमेज बनाइए कि कोई इंसान टैक्सी को टर्न कर रहा है और बिना कुछ बोले बिल्कुल शांति से, वो बहुत ही कम बोलता है. ठीक है, सेकंड देखते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस. इसका मतलब होता है सीफोलॉजी. वो साइंटिफिक स्टडी किसकी? इलेक्शंस की. वो होता है सीफोलॉजी. वैसे तो ये रूट वर्ड से आया है जिसमें सीफो मतलब होता है इलेक्शंस, किसी का चुनाव करना, और लॉजी मतलब स्टडी. लेकिन सीफो कैसे याद रहेगा? मैंने इसकी लिंक ऐसे बनाई थी कि आपने देखा होगा एक आर्मी के हेड हैं सीफू जी, है ना. तो वो कितने ज़्यादा फेमस हैं, मतलब यूट्यूब पे भी लोग उनके काफ़ी वीडियोस देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं. अगर वो इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो जीत जाएंगे आराम से, है ना. तो मैंने ऐसे याद रखा था, दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस इज सीफोलॉजी. अब, अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, ये है ऑर्केस्ट्रा. ये तो लगभग सबको पता है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है. एक ऐसे बहुत सारा एक ग्रुप, एक बहुत बड़ा ग्रुप जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करता है, वो होता है ऑर्केस्ट्रा. बस आप लेकिन इसमें इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग में आ चुका है, कई बार लोग गलत कर देते हैं. ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छे से याद रखना है. नेक्स्ट देखते हैं, लास्टिंग वन डे. ओके, लास्टिंग वन डे, वो होता है एफेमेरल. इसका मतलब क्या है? कि जो एक दिन के लिए हो, कुछ भी हो. जैसे फॉर एग्जांपल फीलिंग्स बोल सकते हैं हम. फीलिंग्स एक दिन की किसी के लिए होती है कभी कभी. जैसे आप कहीं शादी में गए, है ना, और आपको कोई लड़की दिख गई, या कोई लड़की शादी में गई, उसे कोई लड़का दिख गया और वो बहुत पसंद आ गया. लेकिन सिर्फ क्या है, वो फीलिंग एक दिन की है, उसके बाद अपने वाले के पास वापस वो चले जाएंगे, है ना. तो ये होता है एफेमेरल. और इसका ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट होता है एटर्नल, मतलब कि हमेशा, एवर लास्टिंग, एटर्नल. ये ऑपोजिट्स होते हैं. और एफीमेरल का सिनोनिम क्या होता है, मतलब सेम लास्टिंग वन डे, ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट होता है एफीमेरल का सिनोनिम. ठीक है, अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज. इसका मतलब क्या होता है भाई? सडन चेंज मतलब अचानक से कोई भी चेंज होना, कोई चीज़ उसके अपोज करना. उसके अपोज करना मीन्स कंजर्वेटिव. जैसे कुछ लोग होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, कंजर्वेटिव सोच के होते हैं. जैसे वो किसी गाँव से आए हैं और उनका कोई भी नाती पोता जो भी है वो भोपाल में रह रहा हो, सपोज़ करो. ठीक, तो अगर वो उससे मिलने आएंगे और देखेंगे कि उसने क्या पहना है उसके रूम पे, यार ये तो दोस्त आ रहे हैं, ऐसा वैसा, तो वो उनको बहुत कंजर्वेटिव फील होगा कि यार ये क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो संस्कार नहीं है, और दुनिया भर की बातें, है ना. अब नेक्स्ट, तो कंजर्वेटिव आपको याद रहेगा, है ना. अ स्पीच डिज़ाइन टू इंसाइट एक्शन, वो होता है एग्जोरेशन. अब एग्जोरेशन मतलब कैसे आप समझेंगे? कि एक ऐसी स्पीच जो एक्शन को इंसाइट करे, मतलब कि भड़काऊ टाइप के भाषण होते हैं. जैसे कि आपने बाल ठाकरे मूवी में देखा होगा कि जो बाल ठाकरे हैं वो बहुत ही भड़काऊ भाषण देते थे, जिससे मराठी लोग काफ़ी भड़क जाते थे और फिर वो कहीं गवर्नमेंट ऑफिसेस में पत्थरबाजी करने लगते थे, है ना. एग्जोरेशन. लेकिन वो खैर वो पॉजिटिव था, लेकिन जो गलत तरीके से भड़काना किसी को अपनी स्पीच के थ्रू, वो एग्जोरेशन कहलाता है. ठीक है, और एग्जॉर्टेशन के जैसा ही एक वर्ड है एग्जॉर्शन. ये एग्जॉर्टेशन है, वो है एग्जॉर्शन. एग्जॉर्शन मीन्स होता है किसी से, जैसे बोलते हैं ना हफ्ता वसूली, पैसे छीनना, चाहे किडनैपिंग करके चाहे कुछ करके, तो वो होता है एग्जॉर्शन. और ये होता है एग्जॉर्टेशन. इसमें क्या है, भाषण देते हैं हम जो लोगों को भड़का दे. ठीक है, आप डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि SSC यहीं पर कन्फ्यूज़ करती है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन. ओके, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है गाइस, ये बहुत बार आया है यूफेमिज्म, क्योंकि ये ई वाला है. मैंने आपको बोले ही है ई वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब ये होता है
कि कोई भी ऑफेंसिव और हार्श अपना एक सेंटेंस है, कुछ भी चीज़ है, उसकी जगह पे एक बिल्कुल सरल माइल्ड इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन बोलना ताकि वो किसी को बुरा ना लगे, वो होता है यूफेमिज़म। सपोज़ आपका कोई दोस्त है जो देख नहीं सकता, है ना, और कोई आप वो आपके साथ कहीं जा रहा है और कोई पूछता है कि भाई ये कौन है क्या है, तो आप उसको अगर बोलोगे कि भाई ये तो अंधा है तो उसको कितना ख़राब लगेगा, है ना, तो वो ऑफेंसिव और हार्श हो गया। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई वो मतलब सूरदास है, उसे दिख नहीं सकता या ऐसा कुछ, तो वो थोड़ा माइल्ड हो जाएगा, मतलब उसको इतना बुरा नहीं लगेगा, आप सिंपैथी के वे में हो जाएगा, है ना, वो होता है यूफेमिज़म। ये कई चीज़ों में हो सकता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है, तो वो अगर डायरेक्ट बोलेगी अरे तू अपनी शक्ल देख जाके और ऐसा वैसा, तो वो ऑफेंसिव और हार्श हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसकी जगह वो बोलेगी कि नहीं यार प्लीज़ अभी मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है और ऐसा वैसा, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, तो वो हो गया यूफेमिज्म, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस। एक पर्सन जो दो लैंग्वेजेस में एकदम फ्लुएंट हो, जैसे कि मैं, मुझे सिर्फ दो लैंग्वेज आती है और बहुत अच्छे से आती है, जो कि है इंग्लिश और हिंदी, उसे हम बोलते हैं बायलिंगुअल। अगर लेकिन मैं सोचूं कि मैं थर्ड लैंग्वेज सीख लूँ, कोई भी लैंग्वेज सीख लूँ जो मतलब ईजी हो, मुझे लग जैसे मराठी हो या कुछ हो, तो मैं ट्राईलिंगुअल हो जाऊँगी, है ना। लेकिन अभी मुझे दो आती है तो मैं बायलिंगुअल हूँ। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ओपेक। ये तो बचपन से हम साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि जिससे लाइट पास कर सकती है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, और जिससे लाइट पास नहीं कर सकती वो होता है ओपेक। और अपनी जो लेयर होती है ओजोन लेयर O3, है ना, वो भी ओपेक ही होती है ना। तो ये आपको याद रहेगा, इसकी स्पेलिंग भी अच्छे से याद करें, और ये ओपेक वर्ड काफ़ी रिपीट हुआ है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट बाय अ किंग। ओके, किसी किंग के द्वारा गवर्नमेंट। अब देखो लास्ट पार्ट में मैंने आपको ओली गार्ची बताया था, जिसमें ओली मतलब होता था फ्यू, है ना, और आर्ची मतलब होता था गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बाय फ्यू, वैसे ही मोनार्की है। अब मोनो होता है, मोनार्क में मोनो मतलब कि सिंगल पर्सन मतलब किंग, और आर्की मतलब गवर्नमेंट, तो मोनार्की हो गया किंग का, है ना। बहुत ईजी है, आपको याद रहेगा, और मैंने बोला भी है कि मैं पार्ट लेकर आऊँगी, बट मुझे अभी थोड़ा कम टाइम मिल रहा है इसलिए डिले हो रहा है, बट मैं लेकर आऊँगी इसके ऊपर एक पार्ट, ठीक है, एक फोबिया वाला और एक ये गवर्नमेंट वाला। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ओके, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो होता है अथीस्ट। ये जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ, एक टाइम पे मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बिलीव नहीं करती थी, तो मैं एथीस्ट थी, है ना। और ये होता है जब लोगों के साथ अच्छा नहीं होता तो वो ऐसी फीलिंग आ जाती है उनमें, बट ऐसा नहीं है, है ना। अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री और एन एबे। ओके, अब इसका आंसर है एबॉट। अब ये टफ है लेकिन मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी याद करने की, पहले हम सेंटेंस को समझते हैं। अ मैन हु इज़ द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री, हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री, जैसे जो मोनेस्ट्रीज होती हैं अपनी जिनमें ये लोग रहते हैं, सदगुरु हैं, गौर गोपाल दास जी हैं, दंडपाणि जी हैं, और एक और कोई षणमुखानंद करके जो भी है, मैंने सुना है नाम, ठीक है, वो है, तो उनके जो मोनेस्ट्रीज के हेड जो होते हैं वो, उसको बोलते हैं एबॉट। तो इसको ट्रिक के लिए मैंने बनाया था, या अपने याद करने के लिए उस टाइम पर, कि जैसे मोनेस्ट्री का हेड अभी मान लो सदगुरु है, किसी मोनेस्ट्री का हेड, ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं कि सदगुरु से ज़्यादा ज्ञान किसी और के पास नहीं है, उनके जो शिष्य होंगे या उनके साथ ही होंगे उनमें कई लोग होंगे जिनके पास काफ़ी ज्ञान होगा, लेकिन वो इतने शायद फेमस नहीं हो पाए। तो अब वो लोग बोल रहे हैं कि अब बहुत हो गई, अब बहुत हो गई, अब हमें भी हेड बनना है, हमारे पास भी बहुत नॉलेज है और बहुत ज्ञान है, ठीक है, हमें भी जाके लोगों के सेमिनार्स देने हैं, हमें भी लोगों से बात करनी है, हमारी भी कुछ पहचान हो, है ना। तो वो ये चाहते हैं कि अब बहुत हो गई, अब हमें भी हेड बनना है। तो आप ऐसे करके इसे बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रिक्स के अलावा याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि टोटल जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो लगभग 2000 से ज़्यादा है। मैं आपको इम्पॉर्टेंट 500 इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं। अगर Tier 2 में 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, 12 में से लगभग 10, 10 जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें से पक्के आने हैं, क्योंकि 10 रिपीट ही होते हैं। जो दो होते हैं ना वो हमेशा एक्स्ट्रा होते हैं बाहर के, ठीक है, और उसकी वजह से हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। और मैंने लगभग 2300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लस पढ़े थे, तब जाके मेरे पूरे के पूरे 12 सही हुए थे।
तो आप पहले उस 10 पे फोकस करो, उन 2 पे फोकस नहीं, ठीक है। उस 10 पे को सही करने के लिए आपको ये वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे और इनको कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ वीडियो से कर रहे हैं तो वीडियो से करें, नहीं तो आप नोट्स बनाएं और फिर उन नोट्स को रिवाइज करें। डेली टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप लिखें कि आज मुझे ये रिवीजन करना है, आज मुझे वो रिवीजन करना है, कल वो करना है ना। क्योंकि बिना रिवीजन के आपका ये हो ही नहीं सकता, आप भूल जाओगे। अभी आपने एबॉट पढ़ लिया ट्रिक से कि अब बहुत हो गई, हमें हेड बनना है मोनेस्ट्री का, लेकिन आप भूल जाओगे 3 दिन बाद। आपको कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहना है। वोकैब और एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये सब ईडियम्स फ्रेजेस ये रिवीजन का ही खेल है पूरा। कॉम्प्रिहेंशन भले आपकी रीडिंग स्किल्स पर डिपेंड करता हो, लेकिन रिवीजन के बिना एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये सब में आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ प्लेस वेयर पिग्स आर कैप्ट। ओके, ये प्लेस है, सॉरी, हाँ इसे सही कर लीजिएगा। अ प्लेस वेयर पिग्स आर कैप्ट, जहाँ पे सुअरों को, पिग्स को रखा जाता हो, वो जगह क्या है? स्टाय। ये आपने ज़्यादा बार नहीं सुना होगा, बट आप इसे याद करो, हो सकता है आ जाए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु इज़ द लीगल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ओके, एंड इज़ फोर्स टू ओबे दैम, स्लेव। स्लेव मतलब गुलाम। एक ऐसा पर्सन जो किसी और की लीगल प्रॉपर्टी हो, लीगल, और वो मजबूर हो कि उसे उनकी बात माननी पड़े, जो दूसरे लोग हैं उनकी। अब इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे, वो है कटप्पा, है ना। कि वो पर्सन क्या था, किसी और की लीगल प्रॉपर्टी था। क्यों था? क्योंकि उसके पूर्वज भी उनके स्लेव थे, इसलिए, और उसे उनकी बात माननी ही पड़ती थी चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो ये है स्लेव। वैसे बहुत ईजी, बट मैंने एग्जाम्पल दे दिया तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग। देखिए, अभी अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था किलिंग ऑफ अ सिस्टर, वो था सोरोरी साइड, और मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था कि किलिंग ऑफ ब्रदर होता है फ्रेटरी साइड, FRATRICIDE, ओके। अब किलिंग ऑफ अ किंग है रेजी साइड। अब इसको याद करने का क्या है, देखो किंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, राजा, ठीक है। तो राजा और रेजी एकदम सेम लग रहा है ना, रेजी, राजा और रेजी, तो आप इसको आसानी से लिंक कर सकते हैं किंग रेजी से, राजा और रेजी, ठीक है, आपको याद रहेगा। पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ गॉड, ओके। अब एक पर्सन होता है भाई जो बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन एक पर्सन है जिसको मतलब विश्वास है कि गॉड ही सब जगह है और सब जगह हर चीज़ गॉड ही है। वो होता है पैनथीस्ट, जो आखिरी का थीस्ट होता है ना, वो मानने ना मानने वाला होता है। और पैन मतलब होता है कि हर जगह, अपना पैन नहीं होता जिसमें ऑमलेट बनाते हैं तो पूरे में फैल जाता है वो, तो वैसे ही पैन जो होता है वो, इसका मतलब होता है हर जगह। तो पैनथीस्ट मतलब वो पर्सन जिसका ये मानना हो कि गॉड हर जगह है और हर जगह गॉड ही है, मतलब पूरा गॉड ही है हर जगह। नेक्स्ट देखते हैं हम, फूड विच एग्रीज विथ वंस टेस्ट, ओके। मतलब ऐसा फूड जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो, मतलब अपने टेस्ट से एग्री करता हो, मतलब जैसा टेस्ट अपन चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही हो, वो होता है पैलेटेबल, मतलब कि बहुत टेस्टी। अब आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि एक क्वेश्चन है जिसमें बोलते हैं कि जो खाने लायक हो, वन विच इज ईटेबल, वो होता है एडिबल, है ना, EDIBLE, ओके, एडिबल। आई एम सॉरी, मैं इसमें लिख नहीं सकती हूँ तो आप उस पर मत जाइएगा, ठीक है, एडिबल, वो होता है एडिबल। लेकिन यहाँ जब टेस्ट की बात आ रही है, स्पेशली टेस्ट की बात, तो वो होता है पैलेटेबल, पैलेटेबल, ठीक है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं आप, कि आपने प्लेट, टेबल पे प्लेट रख के खा रहे हैं कुछ खाना, बहुत ही डिलीशियस फूड जो आपको पसंद है, टेबल पे प्लेट रख के, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, वो होता है कॉफल। अभी अपन ने जैसे स्लेव्स देखा यहाँ ऊपर, ये देखिए, ये लीगल प्रॉपर्टी ऑफ समवन और ये स्लेव, है ना। वैसे ही अब अपना क्या है कि कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, जैसे एक ग्रुप होता है ना, अपन वुमेन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गर्ल्स के ग्रुप को बेबी बोलते हैं। ये ग्रुप वाले टर्म्स मैं आपको बताऊंगी एक वीडियो में जिसमें सारे ग्रुप्स रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है याद करना, ठीक है। वैसे ही अब स्लेव्स का जो कलेक्शन है, स्लेव्स का जो कलेक्शन है उसे बोलते हैं कॉफल, कॉफल, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इसे, कॉफल। इसकी ट्रिक नहीं है मेरे पास, बट आप इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अ गाइड पोस्टिंग, पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस, ओके। जब आप कहीं रास्ते में जाते हैं, तो जब मान लो ये रोड है और ये रोड है ना, अब आप यहाँ पर बोर्ड देखते हैं कि भाई, और यहाँ पर भी एक बोर्ड रहता है कि किस तरफ कौन सा रास्ता है, तो वो बोर्ड में बनी रहती है ऐसी फिंगर, ऐसा एरो बना रहता है कि यहाँ ये है, वहाँ वो है, तो इसी को हम बोलते हैं फिंगर पोस्ट, ठीक है, आपको याद रहेगा, गाइड पोस्ट, फिंगर पोस्ट, ऐसे करके याद रहेगा, ठीक है। वन विच इज़ इनकैपेबल ऑफ बींग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इनएफेबल, ओके। अब इसमें भी एक कन्फ्यूज़ करने वाली चीज़ है कि
वो चीज़ जो बिल्कुल हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में, वो इनएफेबल है। और मैंने एक और जगह पढ़ा था, वहाँ था इनएक्सप्रेसिबल, है ना, इनएक्सप्रेसिबल करके था। तो आप टेंशन मत लीजिए, जब पेपर में आएगा तो या तो वो इनएफेबल देंगे या इनएक्सप्रेसिबल देंगे, एक कोई एक देंगे वो, क्योंकि दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। इनएफेबल भी याद करो आप और इनएक्सप्रेसिबल भी, जो ऑप्शन में मिल जाए आप वो टिक करके आगे बढ़ो, ठीक है। अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज जज्ड, वो होता है क्राइटेरियन। ये आपको पता ही है, किसी भी चीज़ का क्राइटेरिया डिसाइडेड रहता है। जैसे मैं बताऊं कि हमारे जो फिजिकल था एसएससी सीपीओ में, उसका भी क्राइटेरिया था कि भाई गर्ल्स की जो हाइट है वो 5'7" होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो भले चाहे उसने कितनी अच्छी रनिंग की हो, कितनी ही अच्छी लॉन्ग जंप की हो, कितनी ही अच्छी हाई जंप की हो, कोई फ़ायदा नहीं। एक लड़की आई थी वहाँ पर फिजिकल में जिसकी हाइट शायद 5'4" थी, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं थी उस चीज़ के लिए। बाकी उसने रनिंग बहुत अच्छी की थी, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, है ना। लेकिन क्या है कि किसी चीज़ का क्राइटेरिया होता है, उसके अपोजिट में नहीं जा सकते, है ना। वो क्राइटेरिया फिक्स रहता है और उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो एक प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड जिसमें जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को जज करें और सिलेक्शन हो जो भी हो, है ना, वो क्राइटेरिया होता है। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखें, आता है ये। रब और वाइप आउट, मतलब किसी भी चीज़ को मिटा देना, रब कर देना, वाइप आउट कर देना, वो होता है इफेस। मतलब आप एग्जांपल ले सकते हैं कि इफेस, इरेज एक जैसा लग रहा है, और फेस पर मान लो कुछ लगा है उसे हटा दिया तो इफेस कर दिया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिटेंडेड अटैक। प्रिटेंडेड अटैक, प्रिटेंड मतलब पहले तो क्या होता है, दिखावा करना, किसी भी चीज़ का दिखावा करना, ठीक। और आप दिखावे वाला अटैक कर रहे हैं, ठीक, तो उसका मतलब होता है फेंट। अब मैंने इसे याद करने के लिए कैसे ट्रिक बनाई थी कि एक वर्ड होता है फेंट, FAINT, फेंट मतलब होता है बेहोश हो जाना। लोग बोलते हैं ना कि हम तो तुम्हें देखकर फेंट हो गए और ऐसा वैसा, दुनिया भर की बातें, बिल्कुल वैसे ही फेंट, ठीक है। तो एक वर्ड होता है ना फेंट, तो उस फेंट से मैंने फेंट को लिंक करा था कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मैंने एक शायद मूवी देखी थी या क्या, कि उसमें जो धोखेबाज लड़की थी, जब भी उसके पास कोई आंसर नहीं होता था तो वो डायरेक्ट बेहोश होने का नाटक कर लेती थी, है ना, फेंट हो जाती थी ताकि मुझे कुछ आंसर ना देना पड़े। तो वो वैसे ही फेंट से मैंने फेंट कर लिया कि वो दिखावे का अटैक करना। यहाँ दिखावे का वो कुछ मतलब बेहोश होना था, लेकिन यहाँ पर दिखावे का अटैक करना फेंट से लिंक कर दिया मैंने, दिखाने, दिखावा करने से, ठीक है। देखो लिंक करेंगे ना तभी याद रहेगा, वरना फेंट कोई ऐसा वर्ड है नहीं जिसमें आप रूट वर्ड निकालने बैठो और फिर सोचो कि मैं कैसे याद रखूँ, है ना। ट्रिक बनानी ही पड़ती है। मैंने जो वो कैब्स है, लगभग मैंने 10,000+ वो कैब्स पढ़ी है अपने टाइम पे, ठीक है, 10,000+, और मैंने मैक्सिमम वो कैब्स है ना निमोनिक्स टेक्निक से ही पढ़ी है जिसमें अपन ट्रिक बनाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, जब मैं एक वो कैब का वीडियो बनाऊंगी तो उसमें एग्जाम्पल से बताऊंगी आपको, ठीक है। अब हम आ गए लास्ट पे, लगभग। वन हु कैटर्स टू द लो डिज़ायर्स ऑफ अदर्स। ओके, कैटर्स मतलब होता है ख्याल रखना। अब हम बोलते हैं ना कि केटरल वाले, केटरल वाले किसी भी चीज़ का खान पान का ख्याल रखते हैं, केटरल, केटर्स, ठीक है। टू द लो डिज़ायर्स ऑफ अदर्स मतलब छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखने वाला पर्सन, है ना, किसी की छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखने वाला पर्सन, वो होता है पैंडरर। इसकी ट्रिक नहीं है मेरे पास शायद, लेकिन कैसे, अब देखो इसका मीनिंग समझ लो, शायद आपको याद रहे। पैंडरर मतलब होता है एकदम, मैंने हिंदी मीनिंग देखा था इसका, दलाल, दलाल टाइप का। तो बिल्कुल जो किसी का एकदम दलाल बन जाए। हाँ, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 जो मूवी थी, उसमें जो दोस्त था उसका, वरुण धवन का, है ना, तो वो एकदम पैंडरर की तरह था, उसका दलाल, आगे पीछे घूमना, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना। उसका अपना मतलब था खैर, लेकिन वो पैंडरर जैसे ही बिहेव करता था। तो आप ऐसे करके याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच। किसी भी ब्रांच पे क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स मतलब फ्लावर का एक गुच्छा एकदम पूरे एक साथ लगे रहते हैं जो, है ना, तो वो है अपना इनफ्लोरेसेंस। और क्लस्टर ऐसा भी ज़रूरी नहीं गुच्छा, वो किसी एक शेप में भी अरेंज रह सकते, जैसे ऐसे रहते हैं फिर ऐसे रहते हैं, है ना, इस तरीके से। तो वो ये क्वेश्चन हालांकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में नहीं आया था, लेकिन मेरे टाइम पे ये आया था जीके के क्वेश्चन में, कि द स्टडी ऑफ ब्रांच जिसमें हम क्लस्टर जो फ्लावर्स के अरेंजमेंट की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इनफ्लोरेसेंस करके आया था, ठीक है। तो ये कहीं से भी घूम फिर के आते हैं, आप टेंशन मत लेना। रीजनिंग में भी आ जाता है कई बार, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको पता है या नहीं, ऑड वन आउट में आ जाती हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं, कहीं भी आ सकता है कुछ भी। तो अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच है हमारा इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस, फ्लोर जो वर्ड है, FLORE, फ्लोर, फ्लोरा, वो फ्लावर्स के लिए है ही,
तो आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो गाइस हमारे ये वर्ड हो गए 25 कंप्लीट पूरे पार्ट 5 के, और ये वीडियो स्पेशली एक हमारे सीरियस सब्सक्राइबर सौरभ सचन के लिए बनाया गया है, क्योंकि उसने ये डिमांड की थी कि मैम आप प्लीज़ कंटिन्यू इस वीडियो को, इस सीरीज़ को डालिए, है ना, क्योंकि टाइम सच में बहुत कम है सीजीएल के लिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली उसको एक वीडियो प्रोवाइड करूँ। अगर आप भी ऐसे ही कुछ टॉपिक चाहते हैं, कोई भी टॉपिक जो आपको डाउट कर रहा हो, जो आपको याद नहीं हो रहा हो, चाहे वो वोकैब्स हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कुछ भी हो, स्पेलिंग, इवन स्पेलिंग्स वाला भी हो और ग्रामर रूल्स का हो, कुछ भी हो, तो आप प्लीज़ कॉमेंट करें, क्योंकि बिना आपके कॉमेंट करे मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई इंसान को किस चीज़ की नीड है ना। अब सौरभ सचन ने बताया है इसलिए मैंने ये पार्ट लेकर आई हूँ, नहीं तो शायद मैं, हो सकता है कि अभी इकोनॉमिक्स का बनाती या कुछ फिजिक्स का या कुछ और, है ना। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं ये कैसा लगा, और आपको और कौन कौन से पार्ट्स चाहिए हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और प्लीज़ आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।